महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महादेव बेटिंग ऐप की जांच में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान कई और बड़े इवेंट्स और उनकी वीडियो फुटेज ईडी के हाथ लगी है। बड़ा खुलासा यह है कि ईडी रणबीर कपूर से फरवरी 2023 में दुबई में हुई शादी में उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि फेयर प्ले के नाम पर ऑनलाइन बेटिंग के लिए किए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। बिल्कुल, तो इस मामले में कई बॉलीवुड सितारे ईडी के रडार पर हैं। कई बड़ी हस्तियों को ईडी समन भेज चुकी है जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, भारती, ये तमाम बड़े नाम हैं जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। देखिए, मामले में ईडी ने मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मुंबई में छापेमारी 5 जगहों पर हुई है जिसमें कुरैशी प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कुरैशी प्रोडक्शन को फिल्म बनाने के लिए महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल से हवाला के जरिए पैसे मिले। वसीम और तबस्सुम कुरैशी इस कंपनी को चलाते हैं जिसने एक बड़े बजट की फिल्म बड़े स्टार के साथ बनाई थी। और किन सितारों को ईडी का समन भेजा गया है यह भी आपको बताते हैं। किन किन सितारों को ईडी का समन है? रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और हिना खान, इनके नाम अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये वो सभी सितारे हैं जिन पर ईडी का शिकंजा कस सकता है, समन भेजा गया है। ये सभी सितारे और भी नाम इसमें जुड़ सकते हैं लेकिन फिलहाल रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान इसमें शामिल है। लता शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। लता, किन और सितारों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? साथ ही जिन सितारों को भी ईडी का समन भेजा गया है उनमें से रणबीर कपूर ने अभी और समय मांगा है? जी बिल्कुल, रणबीर कपूर ने और समय मांगा है, 2 हफ्ते का समय मांगा है। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है महादेव बेटिंग ऐप को लेकर वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं फिलहाल मुंबई के अंधेरी वेस्ट इस इलाके में स्थित कुरैशी प्रोडक्शन हाउस जो है जो कि दुर्गा इस इमारत के 3rd मंजिल पे आता है वहां पर हूँ। बीती रात को ईडी की टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस में छापा मारा था क्योंकि जिस तरीके से महादेव बेटिंग ऐप के ऊपर कथित रूप से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो हवाला के जरिए कुरैशी प्रोडक्शन हाउस को पैसे दिए गए थे एक बड़ी बजट की फिल्म बनाने के लिए। और ये जो रकम है वो इसलिए दिए गए थे ताकि जो एक फिल्म बनने जा रही है, रीजनल फिल्म बनने जा रही है, उसे प्रोड्यूस करने के लिए। और इसी मामले में जो है ईडी की टीम कल यहाँ पे आई थी और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कई सारे सितारे जो हैं अब ईडी के रडार पर हैं क्योंकि जो शादी हुई थी उस शादी में कई सारे जो सितारे हैं वो देखे गए थे। लता, इन बड़े नामों के अलावा और कौन से नाम है जो रडार पर है ये भी देखने वाली बात है। ईडी के बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।